हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अंकित शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्राइम स्किल्स वंस अगेन सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है इससे पहले सेशन में हमने एक्टिव लिसनिंग के बारे में डिस्कशन किया था हमने हियरिंग वर्सेस लिसनिंग के बारे में डिस्कशन किया था कि लिस्निंग और हेयरिंग में क्या डिफरेंस होता है टूडे वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट एक्टिव लिसनिंग राइट सो इस यूनिट में हम स्पीकिंग और लिस्निंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप सही तरीके से पूरी यूनिट को समझना चाहते हैं तो प्लीज वॉच एवरी वीडियो टिल द वेरी एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी केयरफुली ओके सो वंस अगेन माय वेरी प्राइमरी रिक्वेस्ट इज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट Please make sure that you subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications of all the videos which I post over here. So I do not post only the curriculum video. I keep on posting the videos which are related to spoken English, which are related to your communication skills, your personality development, your soft skills and a lot much, you know, very important and crucial content, which can definitely help you out in becoming a good personality. Okay. So if you really want to keep on getting these type of notifications, these type of videos, Make sure you hit the subscribe button, you hit the bell icon, and also keep sharing the uh, your views, your suggestions, or whatever you feel like. So, without taking much more time, let's go ahead.

या दिस इज द सिलेबस एक्टिव लिस्निंग मीनिंग एंड आर्ट ऑफ लिस्निंग हम इस वाले पार्ट को अभी कंप्लीट कर रहे हैं एंड देन ग्रेजुअली वी विल जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट सेशन सो लेट इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज द एक्टिव लिस्निंग तो so, सबसे पहली बात बच्चों हम करते हैं एक्टिव लिसनिंग की एक्टिव लिसनिंग एक्चुअल में होती क्या है लिसनिंग के बारे में हमने समझा और हमने आपको अगर ध्यान हो तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जब हम लिसनिंग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जोड़ देते हैं तो हमारा वो एक्टिव लिसनिंग बन जाता है बट टूडे वी आर गोइंग टू इलेबोरेट द टॉपिक वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस दिस टॉपिक इन अ ग्रेट डिटेल ओके सो लेट्स गो अहेड Active listening is a communication skill that involves going beyond simply hearing the words that another person speaks but also actively seeking to understand the meaning and intent behind them now जब आप हेयर करते हैं जब आप किसी चीज को मेरली सुनते हैं तो उस सिचुएशन में आप केवल वर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो वर्ड्स के साथ साथ आप उसकी अंडरस्टैंडिंग और बोलने वाले यानी जो मैसेज देने वाला व्यक्ति है उसकी इंटेंशन को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो एक रोबोट में और एक ह्यूमन बींग में सिर्फ यही डिफरेंस होता है रोबोट केवल हियरिंग कर सकता है लिसनिंग नहीं कर सकता लेकिन ह्यूमन बींग लिसनिंग कर सकते हैं क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति की इंटेंट यानी उसके इंटेंशन को भी समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा रहा है अगर कोई व्यक्ति सैड है तो उसकी इंटेंशन या फिर उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ सकता है कि वो सैड है दैट इज बेसिकली कॉल्ड लिसनिंग राइट सो लिसनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीजों को आपको कंसिडर करना होता है तब वो एक्टिव लिस्निंग बनता है It requires being an active participant. अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट होना पड़ेगा एक्टिव पार्टिसिपेंट होने का मतलब क्या है आप वो सारे जेस्टर्स भी शो करें जिससे कि सामने वाला व्यक्ति ये समझ पाए कि आप उसको सुन रहे हैं और साथ में आप पूरी तरीके से फोकस के साथ फुल्ली अटेंटिव होकर आप उस व्यक्ति को सुने इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस यू नीट टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट

प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेरिंग टू लिसन ऑब्जर्विंग वॉट वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रोवाइडिंग अप्रोप्रियट फीडबैक फॉर द सेक ऑफ शोइंग प्रेजेंटेड अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक्टिव लिस्निंग के तीन मेजर पार्ट होते हैं पहला पार्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेरिंग टू लिसन यानी सबसे पहले आपकी प्र... आपको प्रिपेयर करना है यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर यू आर गोइंग टू लिसबल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर बींग सेंड यानी कौन से वर्बल और नॉन वर्बल यानी केवल वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देना है कि वो किस तरीके से बातों को कह रहा है एंड देन प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक फॉर द सेक ऑफ शोइंग अटेंटिवनेस टू द मैसेज बीइंग प्रेजेंटेड यानी उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका फीडबैक फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई वर्बल फीडबैक देना फीडबैक का मतलब यह है कि आप नोट कर रहे हैं अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है देन नोडिंग And you know, just a little bit of inclining towards that person shows that you are really interested. Also, you are looking into the eyes of the person so that the person can easily feel and can relate to you. Can can make a uh, rapport with you. Can build a rapport with you so that you. Uh, I mean, like there, there's a positive relationship between both of you, and the person can feel confident about it. Okay, so actively the preparation. दूसरी चीज अंडरस्टैंडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस और तीसरी चीज द फीडबैक ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज दिस फॉर्म ऑफ लिसनिंग कन्वेज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरह की लिसनिंग जो होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करती है बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर स्पीकर रिसीव कंफर्मेश देयर पॉइंट इज कमिंग अक्रॉस एंड लिसनर एब्सॉर्व मोर कंटेंट यहां पे स्पीकर जो होता है उसको बेसिकली एक कंफर्मेशन मिलता रहता है कि जो भी बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो सामने वाले व्यक्ति की समझ में आ रही है अगर वो व्यक्ति फीडबैक दे रहा है तो ठीक है एंड देन uh, जो लिसनर होता है लिसनर ऑल्सो अब्सॉर्व मोर कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बाय बाई बीज अगर आप किसी चीज में एंगेज हैं फुल्ली एंगेज हैं तो वहां वहां पे आप उस कॉन्वर्सेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ठीक है तो अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं देन बी एन एक्टिव लिसनर हाउ टू बिकम एन एक्टिव लिसनर दैट वी आर गोइंग टू डील विद इट डोंट वरी वी विल डिस्कस द टॉपिक इन ग्रेट डिटेल ऑल्सो रेफर्ड एज रिफ्लेक्टिव लिस्टनिंग एक्टिव लिस्निंग वॉज इंट्रोड्यूज बाई कार्ल रोजरसन रिचर्ड फार्सन रिचर्ड फार्सन और कार्ल रोजर मिलकर एक्टिव लिस्निंग का लेके आए थे इसको रिफ्लेक्टिव लिस्टनिंग का नाम भी दिया जाता है रिफ्लेक्टिव लिस्निंग का मतलब जब आप चीजों को सुने और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि आपकी क्या समझ में आया है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव लिस्निंग ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ इंपोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिस्निंग हियर कम्स द अनदर इंपोर्टेंट पार्ट वट इज द इंपोर्टेंस एक्टिव लिस्निंग आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है so there are few uh, special importances uh, I have just you know like numbered them the skill is the foundation of successful conversation in any setting whether at work at home or social situation चाहे आप ऑफिस में हो आप अपने वर्क पे हो आप एक ऑन्टरप्रेन्योर हो आप अपने वर्कर्स से बात कर रहे हो आप अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हो या फिर आप घर में अपने रिलेटिव से अपने फैमिली मेंबर्स से अपनी वाइफ अपने हस्बैंड अपने बच्चों से बात कर रहे हो एवरी सिंगल टाइम इफ यू आर एन एक्टिव लिस्नर इट ऑलवेज पेज

एक्टिव लिस्निंग यू आर फुल्ली एंगेज एंड इमर्स इन वॉट दर्सन इज संग जब आप एक का का बनकर दिखाते हैं, फिर बन जाते हैं उस सिचुएशन में आप पूरी तरीके से एंगेज हो जाते हैं उस व्यक्ति में जो व्यक्ति बातें कर रहा है इससे क्या होता है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं फोकस हो जाते हैं बिल्कुल और जहां पर फोकस होता है ना बच्चों वहां पर क्या होता है ना वहा अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त होती है

आते हैं ठीक है तो यहां पे सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि अगर आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना चाहते हैं एंड इफ यू रियली वांट टू बिकम अ वेरी गुड पर्सन वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एक्टिव लिसनिंग इज गोइंग टू प्ले द बिग रोल इन योर पर्सनैलिटी ओके सो प्लीज रिमेंबर एक्टिव लिसनिंग इज एक्चुअली गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन क्रिएटिंग और इन स्टैब्लिशिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स Maybe in your, you know, whether it's your workplace or your home or your social circle, wheresoever you are, it's really going to work very, very importantly in your life. Okay, let's go ahead. Another uh, importance of active listening active listening at work is particularly important if you are in a supervisory position or interact frequently with your colleagues. अगर आप एक लीडिंग पोजीशन पे हैं एक सुपरवाइजरी पोजीशन पे हैं जहां पे आप अपने एम्प्लॉइज से अपने अपने टीम मेंबर्स से डेली कांटेक्ट में रहते हैं तो वहां पे एक्टिव लिसनिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड कोलाबोरेट टू डिवेलप सोल्यूशन इट ऑल्सो शो केस योर पेशेंस अ वेल्यूबल एसेट इन वर्क प्लेस जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो यू विल हैव टू बी पेशेंट एक एक्टिव लिस्नर के लिए पेशेंट होना बहुत जरूरी है पेशेंस उस व्यक्ति के अंदर होनी बहुत जरूरी है अगर पेशेंस नहीं है तो वो व्यक्ति कभी एक्टिव लिसनर हो ही नहीं सकता राइट right? तो वहां पे आप पेशेंस शो करते हैं साथ में आप एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट शो करते हैं दैट आई एम अ टीम प्लेयर एंड आल्सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू रियली वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड व्हिच इज वेरी क्रूशियल वन इज टू लिसन टू द प्रॉब्लम वेरी वेरी केयरफुली अगर आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सुनेगी नहीं समझेंगे नहीं आप उस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्टिव लिसनिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ any से प्रॉब्लम सोलविंग और यू कैन से एन एनी सॉर्ट ऑफ लाइक प्रोफेशनल एनवाइट एक्टिव लिस्निंग टेक्निक्वेशन सीकिंग क्लैरिफिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज हेल्प यू डेवलप रिलेशनशिप विच when मीटिंग विद न्यू पीपल जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो नए लोगों के बारे में ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन में अच्छे क्यों नहीं होते देखो कॉन्वर्सेशन में अच्छे होने के लिए आपको सामने वाले व्यक्ति को सुनना और समझना बहुत जरूरी है लेकिन लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी होने होते हुए भी उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हर एक के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है बट वी डू नॉट प्रैक्टिस हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी होती है अगर हम उसको प्रैक्टिस ना करें तो उसको हम स्किल कभी नहीं बना सकते तो अगर किसी कैपेबिलिटी को स्किल बनाना है तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है आप उसको रिपीट रेपिटेटिव एक्शन आपको लेने पड़ता है तो एक्टिव लिसनिंग एक स्किल है

सामने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस कराना सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल महसूस कराना इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन हु इज रियली गुड एट हार्ट ओके अकॉर्डिंग टू रिसर्च इमोशनल सपोर्ट द लेफ्ट कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन रिजल्टिंग इन डिक्रीज फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ सोशलियस इन इंडिविजुअल्स नाउ अगर आप सामने वाले व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लीजिए एक बेटा एक बच्चा है वो बच्चा सोशल एंजाइटी फील करता है राइट right? और अगर उसके पेरेंट्स उसको लगातार पुश करते रहे कि नहीं तुम्हें परफॉर्मेंस करनी है तुम्हें स्टेज पे जाना है तुम्हें स्टेज पे जाना है विदाउट इवन लिसनिंग टू हिम वो और ज्यादा एंक्शियस फील करेगा वो और ज्यादा नर्वस फील करेगा तरीका क्या होता है कि उन पेरेंट्स को अपने बच्चे को अच्छे से समझना चाहिए कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है जब वो उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तभी वो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं पुश करने से प्रॉब्लम कभी रेक्टिफाई नहीं होती पुश करने से हमेशा फ्रैक्चर होता है तो ऐसे केसेस में जनरली जो रिलेशनशिप्स होती हैं, दे बिकम साउर और ऐसी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करती हैं। वहाँ पे का आ जाता है तो प्लीज़ मेक sure अगर आप कहीं पर भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं डोंट बी अ गुड कम्युनिकेटर आई मीन डोंट बी अ गुड स्पीकर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फोकस ऑन बिकमिंग अ गुड लिसनर वंस यू आर अ गुड लिसनर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ओके ड नाउ पर्पज ऑफ एक्टिव लिस्निंग द क्वेश्चन राइज इज वट इज द पर्पज ऑफ एक्टिव लिस्निंग क्यों करें एक्टिव लिस्निंग क्या रीजन है उसका ठीक है तो यहां पर पर्पज हमारा एक्टिव लिस्निंग का क्या है समझिएगा जरा जरा ध्यान से एक्टिव लिस्निंग हेल्प यू बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड अदर अदरसन सिचुएशन एंड फीलिंग सामने वाले व्यक्ति की सिचुएशन और फीलिंग को समझने का और आप दो लोगों के बीच में जिनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है उनके बीच में एक ट्रस्ट डेवेलप करने का बहुत अच्छा टूल होता है एक्टिव लिस्निंग जब आप सामने वाले व्यक्ति को सुनते हैं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं वो व्यक्ति आप पे विश्वास करने लगता है और वो व्यक्ति आप में बहुत अच्छे से ट्रस्ट बना लेता है और उसके बाद वो आपसे कुछ भी शेयर करने से कभी डरेगा नहीं टर्न दिस एमपावर्स यू टू ओवर सपोर्ट ए और इसके साथ साथ ये आपको एक ऐसे व्यक्ति की, की मदद करने के लिए तैयार होता है तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके, से स्टेबलिश करना चाहते और इस तरीके से जाना जाना चाहते हैं कि सोसाइटी में आपको लोग ऐसे व्यक्ति के नाम पर जाने ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने की आप बहुत ही सपोर्टिव है तो एक एक्टिव लिसनर बनिए नंबर टू

क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है वी विल टॉक अबाउट इट क्रिटिकल लिसनिंग में आप सामने वाले व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं बट एक्टिव लिस्निंग में आप उसको समझने की कोशिश करते हैं आपका फोकस उसको रिप्लाई देने पर नहीं होता कि भाई ये अपना काम खत्म करे पहले ये बोलना खत्म करे उसके बाद मैं इसको बढ़िया सा रिप्लाई दूंगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दूंगा लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्टिव लिसनिंग का मेजर पर्पज होता है कि आप उस व्यक्ति को समझें डिबेट्स में होता है ना कि ये खत्म करे उसके बाद मैं इसको ऐसा मजा चखाऊंगा लेकिन एक्टिव लिसनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक्टिव लिसनिंग में आप सामने वाले व्यक्ति से कॉम्पीट नहीं करते हैं आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही प्यार से बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत ही फोकस के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं आप कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की बातों का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाए मुझे पता लग जाए कि इसको क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूं तो आप एक ह्यूमन बींग की तरह एक ह्यूमन की तरह सोचते हैं रादर देन यू नो थिंकिंग लाइक अ कॉम्पिटिटर ओके The goal is for the other person to be heard, validated, and inspired to solve their problem. एक्टिव लिसनर के तौर पे आपका जो मेजर गोल होता है वो होता है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि आप उसको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं नंबर टू आप उसकी बातों का सपोर्ट कर रहे हैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे और नंबर थ्री जब आप उसको सुनेंगे तो वो इंस्पायर होगा और ज्यादा बोलने के लिए और जब ये तीनों चीजें होंगी तो प्रॉब्लम जो होंगी आप लोगों के बीच में या जो भी कहीं प्रॉब्लम होंगी किसी भी परस्पेक्टिव में वो हमेशा सॉल्व होंगी तो ये होते हैं हमारे पर्पज ऑफ एक्टिव लिसनिंग ठीक है

you you subscribe the channel and you like it and comment whatsoever you feel like also share it with your friends if you really like the video so thank you so much once again see you in the next session have a good day ahead